हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी मेहंदी की, मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है। और बस हम लोगों के यहाँ सर्गी खाई जाती है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और बस फिर मैं रेडी हुई फटाफट, और उसके बाद मैं सर्गी की तैयारी करने लगी। तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि करवा चौथ पे जितना वही एज यूजुअल जो मैं कहती हूँ कि जितना शूट कर पाई उतना शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ सुबह सर्गी की तैयारी, और तैयारी करते करते मुझे 4:20 हो गए थे, 4:20 से 4:25, और फिर हम लोगों ने अपनी सर्गी, बस फिर हम लोगों ने सर्गी खाई। और बस आज के दिन थोड़ा लगता है ना कि मतलब मम्मी जी साथ हों, क्योंकि होता है ना सासू माँ साथ हो या अपने इन लॉज साथ हो तो एक अलग ही वाइब आती है फेस्टिवल की। तो बस उनका थोड़ा लगता है फेस्टिवल वाले दिन लगता है कि हाँ मैं वहाँ जा पाती या वो लोग आ जाते तो कितना अच्छा होता। बस ये हमारी सर्गी की वीडियो, हम लोगों ने खाई अपनी सर्गी, सर्गी हम लोगों ने 5:15 तक खा ली थी। हेलो गाइस, तो सुबह की सर्गी हो गई थी। हाँ जी, अच्छा लो चलो जाओ। तो सुबह की सर्गी बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, उसकी फोटोज मैंने डाल दी है। और बस अब मैं घर बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, मतलब मॉर्निंग के अभी 12 ही बज रहे हैं और सारा काम कंप्लीट हो गया है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की आज हृदया ने, मतलब हृदय को था कि आज मम्मा का फास्ट है, तो आज उसने मेरी हेल्प कराई। और मतलब सच में मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख के उसको कि हाय मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि मेरी हेल्प करा रही है। तो बस अभी चल रहा है बच्चों का नाश्ता, और इसी के जस्ट बाद 1:30 बज जाएगा मुझे नाश्ता कराने में। और अदवी हाई कर दो, अदवी हाई कर दो, ये निकालो गंदा गंदा कीड़ा कीड़ा वाला। तो बस नाश्ता करा के बर्तन वर्तन धो के उसके बाद मैं करूँगी शाम की तैयारी। तैयार भी होना है, सोच रही हूँ नेल एक्सटेंशंस भी करूँगी, बहुत काम है पर ठीक है, टाइम के हिसाब से करूँगी, जितना टाइम मिलेगा उतना करूँगी। और बस बच्चों को खाना खिलाती हूँ, और आज जो साल जो फेरते हैं हमारे यहाँ उसका जो टाइमिंग है जो गूगल पे भी दिखा रहा है वो 5:15 के बाद दिखा रहा है, देख 5:15 के बाद दिखा रहा है। तो बस उससे पहले मैं कैसे कैसे रेडी हुई हूँ वो सबकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। बाय, मुझसे बोलो बाय, बोलो बाय बाय टाटा। तो गाइज मेरा किचन का सारा काम अभी हो गया है, और अभी बज रहा है 1:15, सारा काम हो गया है, बच्चों को खिला दिया है और बर्तन धुल गए हैं, और शाम के खाने के लिए जो चीज़ भिगानी थी, मतलब हमारे यहाँ दाल बनती है और राइस बनते हैं और जो भी सामान बनता है सब्जी जो बनती है वो मैंने धो धा के सब रख दी है। अब मैं सोच रही हूँ 1/2 घंटे का रेस्ट करूँगी और उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूँगी खाने की, ताकि खाना बना के और उसके बाद ही मैं मतलब तैयार हूँ और पूजा का काम करूँ। क्योंकि अगर सोचूंगी ना खाना बाद में बना लूँगी और पूजा की या तैयार हो जाती हूँ तो उसके बाद ना फिर माइंड में टेंशन रहेगी, क्योंकि वैसे भी दाल वगैरह और सारा सब कुछ करने में हम लोग नीचे करेंगे ये सब चीज़ें पार्किंग में, तो 2 घंटे जाते हैं हमारे, तो 5 बजे का टाइम है। हाँ बिटू खा लो, 5 बजे का टाइम है, 5:30 वैसे बच जाएंगे, 7 बजे तक हम लोग नीचे से ऊपर आएंगे, तो ये सोचा है मैंने। अभी बस चलो, अभी बस जा रही हूँ मैं रेस्ट लेने, 1/2 घंटे का रेस्ट, सोऊंगी नहीं बट ऐसे ही लेट के थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। गाइस अभी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, थाली लगा रही थी मैं अपनी, और बस खाना सारा बन चुका है, मेरा सारा खाना भी रेडी है, और बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। और ये मैंने नोक्स पेन भी चेंज करी अपनी, और बस अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। तो ये मैं हो गई हूँ तैयार, आपको मेरा लुक कैसा लगा बताइएगा जरूर। बस उसके बाद हम लोगों ने बनाई, मतलब मैंने बनाई रील, रील बनाने के बाद हम चले गए थे नीचे पूजा करने के लिए। तो ये वहाँ की वीडियोस हैं, पहले हमने सुनी कहानी और उसके बाद फेरा हम लोगों ने थाल।
बस हम लोगों ने करी पूजा, थाल वगैरह फेरा, और जो पंडिताइन आती है वहाँ पे कहानी सुनाने के लिए, बस उनको हमने जो भी जिसकी जो भी श्रद्धा थी उनको दिया। तो अभी सारा काम हो, मतलब काम नहीं, थाल वाल फेर चुके हैं, पूजा हो चुकी है, और बस अभी मैं बनाने आई हूँ खाना जो बच गया था। वैसे तो पूरी प्रिपरेशन में करके गई थी, बट जो रह गई है वो करती हूँ, और उसके बाद बस जब चांद निकलेगा तो जाएंगे ऊपर। और फिर अब प्यास लगने लग गई, 7:45 हो रहे हैं, अब प्यास लगने लग गई है। देखो चांद कितने बजे निकलता है, तब तक मैं करती बाकी की बची हुई तैयारियां। क्या कर रहे हैं हम? बैठ के कर रहे हैं चांद का वेट। चांद का वेट करेंगे, पता नहीं कब निकलेगा। प्यास लग रही है ये भी ना, प्यास लग रही है मुझे तो लग रही है, प्यास लग रही है बहुत। जल्दी से चांद निकले फिर हम व्रत खोले अपना। 8:30 से ज्यादा 9:15 हो गए हैं, अभी तक चांद नहीं निकला। तो बस उसके बाद हम गए ऊपर 9:15 के आसपास, हम लोगों ने चढ़ाया जल, चांद को दिया अर्घ, और उसके बाद हम लोगों ने नीचे आके व्रत खोला। तो बस मेरा करवा चौथ रहा कुछ ऐसा। आप लोगों को कैसा लगा बताना का जरूर, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। लाइक एंड सब्सक्राइब देवगंज गुड लाइफ। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।